यहाँ बन रहा है गाजर का हलवा। तो ये देखिए गाजर लाल लाल है और क्रश हो रही है, कद्दूकस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, यही बना रहे हैं गाजर का हलवा। 31 दिसंबर है, उसकी खुशी में देखिए हो रहा है। तो ये 3 किलो है, करीब 3.5 किलो, और बस भगवान ने चढ़ा दिया, बड़ा भगवान है मेरा, पूरी एक साथ चढ़ा दिए। और चीनी डालना है इसमें, तो 1.5 किलो चीनी है, ये आधी चीनी डाली है करीब हमने, और मीठा ज़्यादा नहीं खाना होता हमारे यहाँ। और दूध डालना है, 1 किलो दूध डालना है, बस इसको पका लेंगे, फुल क्रीम दूध है ये, आप चाहे तो कोई सा भी रखिएगा। और बस इसमें 1 घंटा लगेगा इसको पकाने में, बस चलाते रहेंगे अच्छे से ताकि नीचे लग ना जाए, और यही कर रहे हैं अभी, हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। और बस करीब 1 घंटे में ये पका था, इसका पानी जो है, पानी दूध सब बहुत सारा इसमें छोड़ दिया था अपना पानी गाजर ने, तो 1 घंटा लग गया था उसको तरह सुखाने में। और करीब 5 चम्मच घी डाला, घी में भून रहे हैं इसको, एक बार घी डाल दिया दोबारा फिर डालेंगे, और यही बना रहे हैं अभी। ये आ गए दुकान से चाय पीने के लिए, तो इनको पकड़ लिया हमने, इनसे करवाए। मिठाइयाँ हम नहीं बना पाते, आपको पता ही होगा कि हम नहीं बनाते मिठाइयाँ, तो बस ये बनने वाला है। और ये देखिए पीसी चीनी है, इलायची के साथ में डाल दिए, इलायची साथ में चीनी पीसी थी हमने, वो मिला दिए इसमें, हो गया। हाँ ये तैयार हो गया, इसको थोड़ा और चला, थोड़ा हल्का पानी रह गया है, हल्का का बहुत पानी है, अरे बहुत हल्का रह गया, जल जाएगा, भी लग जाएगा, फिर खराब हो जाएगा। चलो उसको देखो, हम जा रहे हैं भैया, मेरे बस की बात नहीं है, करके जाओ, करके जाओ, अरे हो गया पूरा, कर क्या जाए, हो गया, हम जाए दुकान पे कुबासू बैठे ना, वो देर हो, करना क्या बता दो भाई, इसमें क्या, थोड़ा घी और मिला दो उसमें, थोड़ा देसी घी मिला के, और बाकी उनमें में खोया मिला देना, चला इसी मिला के थोड़ा और मिक्स कर, बाकी अलग से ऊपर डाल देना, पहले इसमें मिक्स कर दो, थोड़ा मेवा बाद में डालेंगे, मेवा डाल दो उनमें, थोड़ी वो हो जाएगी, मुलायम हो जाएगी, इसी से पूरी ऊपर पड़े रहेगी ना, थोड़ी ऊपर से डाल देना अलग से। चलो हम देखते हैं फिर, देखो देर हो रही है, हलवा बनना है, ये जा रहे दुकान वासी है, चाय पीने आए थे तो ये करने लगे हलवा, मेरे यहाँ ये बनाते हैं मिठाइयाँ, तो यही बनाते हैं, मिठाई लाल है, मिठाई लाल हलवाई हलवाई है, मिठाई लाल है, नौमी पड़ गई है, हमने कहा थोड़ा सा पढ़ लो फिर रात भर जागेंगे, ये रात भर नहीं मतलब काफी टाइम लगेगा इनको, दादी बाबा के पास जाएंगी। तो बस तैयार हो गया, ये खोया डाल दिया इसमें, आधा किलो खोया डाला, भुन गया था अच्छे से ये, उसके बाद डाला है मेवा, डाल दिए काजू बादाम किशमिश है ये, आप चाहे तो गरी भी डाल दीजिए कोकोनट, और मिला दिया इसको अच्छे से, कलर भी अच्छा आ गया इसमें, खुशबू आ रही है इलायची पाउडर की जो मिलाया था, इसको बंद कर देंगे और गार्निश करेंगे, ये फाइनल टच है हमारा। तो खोया डाल दिया, हलवा डाल दिया, खोया डाल रहे हैं, ऊपर से मेवा भी डाल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके डाल रहे हैं, परत लगा रहे हैं, तो ऐसे अच्छा लगता है देखने में भी और खाने में भी, ये इक्वल लगता है फिर। और बस फिर से खोया डाल दिया है, तो 2 परत लगाई है, खोया डाला है, मेवा डाल दी दोनों बार, बस ये तैयार हो गया हमारा गाजर का हलवा। और यहाँ नौमी का डांस चल रहा है, अकेले कमरे में डांस कर रही है, ये देखिए टीवी चला के, और अकेली है, मस्ती कर रही है, अकेले लगी पड़ी पार्टी मना रही है, अभी तो नया साल शुरू भी नहीं हुआ, स्टार्ट है ये। बन रही है मेरी बिरयानी, तो ये देखिए 2 किलो चावल है, फूल रहा अच्छे से, लंबा वाला चावल है बिरयानी के लिए, तो बहुत दिनों से सोच रहे थे आज बना रहे हैं, तो ये फूल चुका अच्छे से, धुल के फुला दिया था हमने। और ये मसाले हैं हमारे, तो बड़ी इलायची है, छोटी इलायची 20 है, करीब 20 पीस लिए हैं, और दालचीनी है, जावित्री है, काली मिर्च है, लौंग है, तेज पत्ता है, और बहुत सारा लहसुन लिया हमने, 3 गट्टी लहसुन है और 8-10 हरी मिर्च है ये, तो लहसुन और छोटी इलायची और तेज पत्ता हम बहुत रखते हैं, और अदरक है बहुत सारा, बहुत सारा क्वांटिटी काफ़ी अच्छी ली हमने, देखिए आप लोग दिख नहीं रहा है, ये सही नहीं आया, साफ नहीं आया है, तो इलायची बहुत ज़्यादा लेते हैं, 20-25 करीब इलायची है छोटी वाली, और सब मिला लिया, इसको पीस लेंगे, ये मसाला पीस लेंगे, इसमें प्याज नहीं है, और ये देखिए सोयाबीन की बरियाँ हैं, इनको फुला लिया हमने गर्म पानी में, 4 पैकेट लिए हैं ये, फुला दिया है, तो ये फूल जाएंगे अच्छे से, ढक के रख दिया। और ये चावल है, तो पानी जब खोल गया था हमारा भगोने में, ज़्यादा पानी लिया है, काफ़ी पानी है, ये बड़ा भगोना है मेरा, और चावल डाल देंगे इसमें, नमक डालेंगे 2 चम्मच भर के, और तेज पत्ता, खड़े मसाले हमने इसमें नहीं डाले हैं, और थोड़ा सा ऑयल डालेंगे ताकि चावल अलग अलग रहे, बस चला रहे हैं, ढक देंगे, बस इनको उबाल लेंगे, और बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करना है इनको, 60% उबालना, ढक दिया, ये उबल जाएंगे, बड़ा सा भगोना है। और ये देखिए तो ठंडी हो गई थी बढ़िया, और ये फूल गई थी अच्छे से, न्यूट्रीलिकेट्स बोलते हैं इनको, आराम से मिल जाती है मार्केट में, सोयाबीन नॉर्मल है, सब लोग खाते हैं और अच्छी रहती है, फ़ायदेमंद भी होती हैं। तो ये इनका पानी निकाल लिया है हमने, और ये रख लिए किनारे साइड में, ये ठंडी हो गई तब पानी निकाला है, गर्म मत निकालिएगा, हाथ में दिक्कत हो जाएगी, जल भी सकते हैं। और ये चावल बॉयल हो गया, ये देखिए, तो बहुत अच्छे से बॉयल नहीं करना है इसको, 60% करना है, बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना, ध्यान रखिएगा, ज़्यादा उबलने नहीं चाहिए। और इस तरह निकाल लेते हैं हम, ये देखिए हम पानी निकाल देते हैं, भगोने में चावल बने रहने देते हैं, आप चाहे तो कपड़े में निकाल लीजिए, मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा था चावल, तो मेरे यहाँ कपड़ा इतना बड़ा नहीं था, हमने इस तरह निकाला, पानी निकाल लिया, इसको छोड़ दिया, ऐसे ही रख दिया, ये बॉयल हो चुका है, और बस
तो कढ़ाई चढ़ा दी है और देखिए ऑयल लिया, 300 ग्राम ऑयल है, प्याज डाले लंबे लंबे, इनको फ्राई कर रहे हैं गोल्डन ब्राउन तक, उनको भूनेंगे और हो गए हैं ये, इनको निकाल लेंगे थोड़े सी में छोड़ देंगे तो ये ऊपर से पड़ते हैं बिरयानी में, अच्छे लगते हैं देखने में और टेस्ट अच्छा आता है इससे। और आधे छोड़ दिए, आधे से कम ही छोड़े हैं, मसाला डालेंगे जो हमने पीसा था, जो सामान आपको दिखाया था खड़ा मसाले वाला, वो अदरक लहसुन है इसमें, हरी मिर्च है, सारे खड़े मसाले, इनको भून लेंगे अच्छे से, फ्राई कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे। थोड़ा सा डाल दिया है पानी और चला देंगे इसको, नमक डाला ये देखिए एक चम्मच, चावल में 2 चम्मच नमक डाला था हमने और ये फ्राई हो गया लगभग, इसमें डाल देंगे बिरयानी मसाला। तो ये मार्केट का बिरयानी मसाला है अशोक मसाला वाला, तो ये 4 पैकेट डाला हमने, ये देखिए दिखा रहे हैं आपको, इसको भी मिला देंगे, भून लेंगे 5 मिनट के लिए हल्की हल्की फ्लेम पे। और इसके बाद सोयाबीन की बरियाँ डालेंगे जो फुलाई थी हमने, निचोड़ लिया था पानी, वो मिला देंगे इसमें, चला देंगे इसको अच्छे से, ये मिक्स हो जाए मसाले में अच्छे से। और इसके बाद दूध डालेंगे इसमें 1 गिलास करीब, तो ये दूध डाल दिया हमने देखिए, आप चाहे तो पानी भी डाल सकते हैं। और इसको चला देंगे और ढक के रख देंगे 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे, तो अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाएगा मसाला इसमें और टेस्ट चला जाएगा मसाले का सारा। तो ये तैयार हो रही है देखिए, ढक दिया इनको 5 मिनट के लिए हमने मीडियम फ्लेम पे और बस खोलेंगे, ये हो गई है तैयार और फाइनल लुक देंगे बिरयानी का। तो ये कलर घोल रहे हैं यहाँ पे, ये फूड कलर है और ये ऑरेंज वाला है, लाल भी आता है, आप चाहे तो लाल ले लीजिए, हम येलो लेंगे और ऑरेंज लेंगे। देखिए घोल लिया थोड़ा थोड़ा डाल के, ये 1/2 चम्मच डाला है दोनों हमने, वो भी और ये भी, और इनको बना लिया है, तैयार हो गया है ये गलत कलर हमारा फूड कलर। तो देखिए परत लगा रहे हैं, दम लगाने जा रहे हैं बिरयानी की, तो ये इस तरह लगा रहे हैं, पहले बरियाँ डाली हैं वही वाली हैं जो अभी मसाले में हमने फ्राई की थी, और चावल डाल दिए हैं एक परत लगा रहे हैं और कलर डाल दिया ऑरेंज वाला, और फिर से डाल रहे हैं, सेम प्रोसेस होगा वही, 3 बार होगा, इस परत लगाएंगे, 3 परत लगाएंगे हम। और देखिए डाल दिया फिर बरियाँ और फिर से डाला है चावल और फिर से डालेंगे, ये देखिए कलर, ये येलो वाला डाला है, एक बार वो डाला था, एक बार ये डाला है, और फिर से डाल देंगे बरियाँ ये मसाले वाली, ये देखिए, और धनिया डाल देंगे, धनिया डालना हम भूल गए थे पहली बार में, अब डाल रहे हैं, और फिर से जो बचे होंगे चावल सारे डाल देंगे, इस बार सारा सामान खत्म कर देंगे हम, जो भी मेरे पास बचा हुआ है सब डाल देंगे, धनिया डाल देंगे और दूध डालेंगे इसमें, दूध से लगाएंगे दम हम, तो बहुत लोग पानी भी डालते हैं, और हम भगोने में कर रहे हैं, आपके पास अगर हांडी वगैरह हो तो उसमें कर सकते हैं, इस तरह से परत लगाएंगे आप लोग, 3-4 लगा लीजिए, जिससे आपके पास सामान ज़्यादा हो तो ज़्यादा और कम सामान हो 2 परत में बना लीजिए, एक में भी बन जाता है, एक में नीचे डाल दीजिए पूरी अपनी सामान बरियाँ वगैरह, ऊपर से चावल बस बन जाएगा। और दूध डाल दिया 1 गिलास हमने घुमा घुमा के पूरे में, और देखिए वही प्याज है जो फ्राई की थी गोल्डन ब्राउन, वो डाल दिए, और ये केवड़ा वाटर है जो डाल रहे हैं ऊपर से, दिखाएं आपको ये देखिए, तो मेरा पूरा सामान लग गया है और बस रखने जा रहे हैं इसको, तब आप ये देखिए इस तरह दिख रही है, अभी इसमें दम लगेगा तो ये खिलके आएगी एकदम और चावल पूरा पक जाएगा जो अभी हल्का सा कच्चा है। तो गैस चला दिए, तवा रख दिया, भगोना रखा उसके ऊपर मीडियम फ्लेम पे, इसको 15 मिनट तक ऐसे रखे रहने देंगे, और देखिए ढक रहे हैं इसके ऊपर, तिवाही रख रहे हैं, और चावल पक जाएंगे जो कच्चे हैं और दम भी लग जाएगा अच्छे से, इस तरह लगाते हैं दम। नमस्कार, वेलकम टू अवर चैनल, कैसे हैं आप लोग, और बढ़िया ही होंगे, अच्छे ही होंगे, और नहीं अच्छे हैं तो अच्छे हो जाइए। बिरयानी बन गई है मेरी, खुशबू आ रही पूरे में, बहुत जबरदस्त आ रही है, जबरदस्त खुशबू आ रही है। 9 बज गया है रात के 9 और दम भी लगा दिया, दम बिरयानी। और ये जी मेरे चांदी के नोट, मैम प्लीज ले लीजिए, मैम चांदी के नोट ले लीजिए, दिखाएं आपको, अभी हमने भी नहीं खोली है, चेक करेंगे आप लोगों के सामने, ट्राइपॉड ला दो वासु घूम रहे पीछे पीछे, बस वेट ग्रे पहन रखा है, पता नहीं क्यों हमने ग्रे, हाँ ग्रे, ये इत्तेफाक से ग्रे हो गया, हमने 9वीं ने तो पहना था और वासु सुबह से पहने हुए, हमने तो शाम में चेंज किया है पूजा के लिए। खोल लेते हैं आपके सामने, ओ माय गॉड, इतनी भारी बिरयानी, अलग देखने के लिए बैठे, कैसे दिखने वाली है अंदर से, हवा आ रही है, ये देखिए, चलो भैया मजा आएगा आज तो, ये बढ़िया बनाई है। और ये चटनी, चटनी तो आपके साथ शेयर की हमने बहुत बार, ये देखिए बिरयानी, दम बिरयानी, दम दम पूरा भर गया है भगोना मेरा। आओ आओ मम्मे जल्दी से दो, जल्दी लाओ, मैं जल्दी उन लोग को उम्मीद दिया, ला पहले जल्दी लाओ, जल्दी लाओ, जल्दी लाओ, जल्दी लाओ, चम्मच लगा लो इसमें, साइड में रख दो, ऊपर डाल दो जैसे भी ठीक लगे, बस साइड में, ये जा रहा है एक जगह, जाता है हमेशा हम लोगों के यहाँ से कुछ ना कुछ, आज ही के दिन 31 दिसंबर को हमेशा जाता है, तो वहीं जा रहा है, वो लोग वेट करते, सब्जी पूरी भेजते थे, कभी कुछ भेज दिया, कभी कुछ भेज दिया, इस बार बिरयानी चूज करी है, बदल बदल के भेजते हैं, लगाओ बासू फटाफट से, ये देखिए इस तरह लगाते हैं, बिरयानी चटनी और क्या ये प्याज, नौमी खा रही है, नौमी को मजा आ गई खा के, और अब मछली में खा रहे हैं, लग रहा है कि हम बाहर खा रहे हैं,
ये इसी में खा रही है, इनको लग रहा है बाहर की खा रही है इसलिए। जाओ लेके जाओ, हाँ फटाफट लेके जाओ, तुम मत जाना। हम नहीं, ये बैग मेरा तैयार हो गया है, अभी गर्म है ना तो गर्म गर्म सही रहती है, ज्यादा दूर नहीं है, पास ही में है। जल्दी जाओ देख के, पापा देख के आए, फिर खावा के सब लोग साथ में खाएंगे और हम बैठ के थोड़ी सी बात करेंगे। नौमी तो नौमी बच्चा है, छोटी बच्चा है नौमी, मैं बाद में खाना ना है, बाद में भी खाएंगी। अच्छा ये बाद में भी खाएंगी, बंद कर दो, बंद कर दो इसको। पापा हैप्पी न्यू ईयर, लाओ प्यार लाओ, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। पापा आशीर्वाद दे रहे, बोलो तो पापा कुछ। खुश रहो सब लोग, परिवार हमारा अच्छा है, खूब फल है, हजारों वर्ष जिए, हजारों वर्ष, हजारों वर्ष, हजारों वर्ष। बाबा हल्दी में दांत निकल रहे, पापा ने दांत निकाल दिए अपने। पापा ने दांत निकाल दिए, रात में सोने चले जाते दांत में, सोते मगर निकाल देते, पापा के दांत सोने चले गए। चलो भाई सबसे हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। मम्मी 12 बज गया, लाओ भाई पैर लाओ, लो भाई नया साल मुबारक हो आपको भी, बहुत 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 घर आप सब बच्चों को परिवार को सबको भैया खुशी रखे। दादी कंबल दिखे थे, दो कंबल, सुबह दो कंबल, डबल डबल सर्दी होने लग गया, बैठो दादी कपड़ा जब तक गर्मा रहा। आप सबको हम लोगों की तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, शुभकामनाएं ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। और ये क्या हो रहा है, नाच रही है, नाच रही है, मम्मी जगा देना मगर हमने जगाया नहीं। चलो चलो आज सर्दी लग रही है और हम लोग देखिए 2020 से 2021 में आ गए ब्लॉग शूट करते करते, इतनी मेहनत करते हैं हम, इतनी मेहनत करते हैं, एक ब्लॉग में एक एक साल लेते हैं। हाँ मम्मी देखो खुद से बोल नहीं, पैर छूने के लिए लड़की उनके पैर नहीं छू रहे। आ चुका है नया साल, हम आपसे नए साल में मिलेंगे। कल जाएगा मेरा ब्लॉग, देखिए नए साल में मिलेंगे आप लोगों से, सब लोग बैठे हैं सोने जा रहे हैं हम लोग। ब्लॉग शूट किया हम लोगों ने अपना, एक साल, हाँ पूरा एक साल ब्लॉग शूट किया है और 3 महीने होने वाले हैं, वैसे रियली में तो हमको 3 महीने होने वाले हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। पापा ने कान खिंचवाया, ब्लॉग पसंद आएंगे आपको मेरे, मेहनत करते रहेंगे इसी तरह हम, थोड़े थोड़े व्यूज आते हैं मगर कोई बात नहीं, 2021 में देखते हैं कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं जाते हैं। और खुश रहिएगा आप लोग, क्या कहें, 2020 तो अच्छा नहीं गया, बस यही है कि ये साल जो पूरी चीजें हैं यहीं छोड़ के जाए अपना अपनी, और आने वाला साल बीमारियों रहे तो सबसे बड़ी चीज, बीमारियों से रहे तो सब स्वस्थ हो, दूर बीमारियों से दूर हो, स्वस्थ हो, सब मस्त हो, सब अच्छे रहे, सब खुश रहे, और क्या कहें, भगवान सबकी मनोकामनाओं को पूरा करे, सबकी विश पूरी करे। हैप्पी न्यू ईयर, बाय बाय, हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन, 2020 बाय बाय, बाय बाय, 2020-2021 वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। तो नमस्कार, ध्यान रखिए अपना और दूसरों का भी ध्यान रखिए, तो आप सबको वेरी हैप्पी न्यू ईयर, वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर, बाय बाय, गुड नाइट।